हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। यानी कि अगर आपकी 12th क्लास में परसेंटेज 60 से कम है तो इस साल आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे, प्लस आपको बताएंगे जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है वो दोबारा कब से ओपन हो सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, न्यूज में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आप लोग यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज कहां से पढ़ सकते हैं, प्लस आप लोग यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस कहां से देख सकेंगे जब स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, उसके बाद हम बात करेंगे कि परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है स्कॉलरशिप लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पे सर्च कर लेना है sarkarijobfind.com। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। जैसे ही आप इस पेज पे पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप लोग यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज पढ़ सकेंगे, प्लस आप लोग यहां से अपना स्टेटस भी देख सकते हैं जैसे ही आपका स्टेटस का ऑप्शन आएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं न्यूज की तरफ और जानते हैं कि क्या न्यूज है। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग ये न्यूज पढ़ सकते हैं, इंटर में 60% से नंबर कम तो अब स्कॉलरशिप नहीं। जी हां दोस्तों, यहां पे मैं आपको पूरी न्यूज पढ़ के सुनाता हूं कि क्या न्यूज है। इंटर में 60% से कम नंबर होने पर SC ST छात्र छात्राओं को प्रोफेशनल कोर्सेज में छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ऐसे छात्र खुद के खर्चे पर ही इन कोर्सेज में पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने केंद्र सरकार के आदेशों को जारी करते हुए संबंध सभी कॉलेजेस से नए नियमों के अनुसार ही SC ST स्टूडेंट्स के प्रवेश करने के आदेश दिए हैं। ये नियम केवल उन्हीं प्रोफेशनल कोर्सेज में लागू होगा जिनमें प्रवेश की न्यूनतम अर्हता इंटर है। और यहाँ पर आप लोग ये न्यूज भी पढ़ सकते हैं, नए नियम केवल निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में लागू होंगे जिनमें प्रवेश 12वीं के आधार पर होते हैं। अक्टूबर 2019 में शासन ने यह निर्णय लिया था, लेकिन उस स्तर में यह लागू नहीं हो सका था क्योंकि इस वक्त प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में विश्वविद्यालय ने कॉलेजेस को उक्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इंटर में 60% नंबर नहीं होने पर छात्र फीस प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप दोनों के लिए दावा नहीं कर सकेंगे। ये होगा असर। निजी कॉलेजेस में SC ST छात्रों के प्रवेश सीट भरने का बड़ा जरिया है। नए नियम में यह खेल खत्म हो जाएगा। SC ST के ऐसे छात्र जिनके इंटर में नंबर 60% से कम हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज में करना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल होगी, महंगी फीस देना मुश्किल होगा, निजी कॉलेजेस में सीटें भी खाली रहेंगी। जी हां दोस्तों, यानी कि अगर आपकी परसेंटेज 60 से कम है और आप लोग प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आपने एडमिशन ले लिया है तो इस साल आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का। यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ और जानते हैं कि स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वो दोबारा कब से ओपन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसा कि देखा, अगर आपकी 60% से कम है परसेंटेज 12th क्लास में और आपने प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया है तो इस साल आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का। यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वो दोबारा कब से ओपन होने के चांसेस हैं। तो देखिए, हमने कंपेन चला रखा है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि 4 से 5 दिन के अंदर पोर्टल दोबारा से ओपन हो जाएगा, जैसा कि न्यूज से पता चल रहा है। और अगर यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।